वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। 129 से 130 सिख आयत का मैं आपके सामने तर्जुमा करें। सूरह आल इमरान बहुत ही प्यारा है, जरा आप गौर करें इस पर। इन लोगों जो मान लें वो ये बढ़ता और चढ़ता सूद, खाना छोड़ दो, अल्लाह से डरो, उम्मीद है फला पाओगे, उस आग से बचो जो काफरों के लिए मुहैया की गई है, और अल्लाह और रसूल सल्लम की अतात करो, तवक्का है कि तुम पर रहम किया जाएगा। दौड़ कर चलो इस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ जाती है, जिसकी वसत ज़मीन और आसमानों जैसी है, और वो उन खुदा तर्स लोगों के लिए मुहैया की गई है जो हर हाल में अपने रब के अपना माल खर्च करते हैं। ख्वाब बदहाल हो या खुशहाल, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के तो कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद है। और जिनका हाल ये है कि अगर कभी कोई फहश काम इनसे सरजद हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तिकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं, तो मान अल्लाह इन्हें याद आ जाता है और इससे वो अपने कसूरों की माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ़ कर सकता हो, विषय करना ही माफ़। और वो भी दानता अपने किए पे इसरार नहीं करते। ऐसे लोगों की जजा उनके रब के पास ये है कि वो उनको माफ़ कर देगा, और ऐसे बागों में इन्हें दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो वहाँ हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा बदला है नेक अमाल करने वालों के लिए। तुमसे पहले बहुत से दूर गुजर चुके हैं, ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि उनके लोगों का अंजाम क्या हुआ, जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को हिदायत को जुटलाए। ये लोगों के लिए एक साफ और सरी तंबिया है, और जो अल्लाह से डरते हो उनके लिए हिदायत और नसीहत। बहुत प्यारी आयत और बहुत खूबी प्यार की गई है। जो ईमान लाते हैं बढ़ता चुटा सूद खाना छोड़ो। सूद के बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताया है कि सूद खाना छोड़ दो, अल्लाह से डरो,